बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, खैरियत से अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, गुड न्यूज़ ही समझें, ठीक है, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं, अभी प्रॉपर अपडेट आई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जल्द जल्द सुन के आपको उससे बेहद खुशी होगी आप तमाम स्टूडेंट्स को। और जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उनसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल रेड कलर बटन का निशान है सब्सक्राइब का, लेफ्ट साइड पे नीचे रेड कलर बटन का निशाना सब्सक्राइब का। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए दिन चल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि ऐसी आप तमाम स्टूडेंट्स को फौरन से अथेंटिक वीडियोस मिलती रहें। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखें जो एनसीओसी मीटिंग, ठीक है, उसमें बेसिकली डिस्कशन क्या चीज़ हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि यार एनसीओसी मीटिंग हुई नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेजर क्या क्या इशूज डिस्कशन हुई हैं, ठीक है। पहली हुई है समर वेकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। समर वेकेशन में पंजाब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे और जो फेडरल इंस्टीट्यूट है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे। मैं ये आपको बताऊँगा प्रमोशन, एग्जाम कैंसिलेशन और आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए और कुछ ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो पंजाब बोर्ड ने तो अपनी वेकेशन अनाउंस कर दी है, ठीक है। पंजाब बोर्ड यकम जुलाई से लेकर यकम अगस्त तक पंजाब में मतलब कि उनकी हो जाएंगी वेकेशन। हो गई जो इशू आ रहा था, ठीक है, फेडरल का, ठीक है, फेडरल ने 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई से लेके उन्होंने 2 अगस्त तक किए, मतलब बहुत कम छुट्टियां की हैं। और एनसीओसी ने भी कहा कि सूबे खुद मुख्तियार हैं, मतलब अपनी जो भी छुट्टियों। जहां तक बात रह जाती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एग्जाम्स के किस किस क्लास का कब कब एग्जाम हो, क्योंकि 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स और 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स वो बार बार यही क्वेश्चन भी राइज कर रहे हैं कि यार हमारा कोई इशू भी नहीं, हमें प्रमोट कर दो, कि मतलब 9th और 11th को जैसे लास्ट टाइम प्रमोट किया था उसी तरीके से 9th और 11th को भी प्रमोट कर दो, लेकिन जो 10th और 12th के एग्जामिनेशन हैं उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करके अगर उन्हें एग्जाम्स उनके लेने हैं तो उनके ले लो, ठीक है। ये स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें। मैं इंशाल्लाह वीडियोज बनाऊंगा स्टूडेंट्स, एक और काम भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द करने वाला हूँ ताकि उससे भी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियोस मिले। मुराद रास ने अभी एक और न्यू इनिशिएटिव कर दी और ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, ठीक है। वो क्या है कि स्कूल आफ्टरनून प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली ये जो प्रोग्राम है उन्होंने अनाउंस किया तो इससे मतलब एजुकेशन को और प्रमोशन मिलेगी, एजुकेशन हमारी और प्रमोट होगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे मतलब स्कूल में नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो उनको भी मतलब उनकी कोशिश है तो ये उनके लिए एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। लेकिन जो मेजर स्टेप है, ठीक है, स्टूडेंट्स की प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू